ज़िंदगी में जीत हासिल करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, एक ज़िद और एक जुनून। ज़िद आपको कभी रुकने नहीं देगी और जुनून आपको कभी थकने नहीं देगी। स्वागत है आप सभी लोगों का ब्लैक टेक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक स्मार्ट लंटेन के बारे में। जो लंटेन आप फेंक देते हैं, जो लंटेन अभी के समय में, अभी के दौर में यूज नहीं किया जाता है, उसको मैं एक आधुनिक लंटेन और स्मार्ट लंटेन बना के बताऊंगा। एक ऐसा लंटेन जो हर कोई यूज करना चाहेगा। तो दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखिए कि मैं इस लंटेन को स्मार्ट लंटेन बनाने वाला हूँ। इतना यूनिक लंटेन होगा कि हर कोई इसको पसंद करेगा। तो दोस्तों देखिए, अब मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं इस गाड़ी में से उस स्मार्ट सर्किट बोर्ड को निकाल लेता हूँ। दोस्तों, आप इसको काफ़ी गौर से देखिए, ये स्मार्ट बोर्ड है। इसी स्मार्ट सर्किट बोर्ड से मैं इस लंटेन को स्मार्ट लंटेन बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस सर्किट बोर्ड के बारे में सबसे पहले आप जानिए, इस सर्किट बोर्ड का ये माइक्रोफोन है और ये आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका बल्ब का कनेक्शन है, जिसमें मैं रिले कनेक्ट करूँगा जो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा। और ये जो है आपका बैटरी का कनेक्शन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया और ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। दोस्तों, इस सर्किट का पूरा कनेक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उस लंटेन को स्मार्ट लंटेन बना के दिखाऊंगा आपको। ये जो बल्ब का पॉइंट है, गाड़ी जो सर्किट बोर्ड है, इसमें ये बल्ब का पॉइंट है। इस बल्ब का पॉइंट में हम इस रिले में कनेक्ट कर देंगे, एक इस पॉइंट में और एक इस पॉइंट में, जो एक ऑटो स्विच का काम करेगा। दोस्तों, आप ये देखिए, दोनों में कनेक्शन हो चुका है और ये वाला जो वायर मैंने कनेक्ट कर चुका है, इसमें ये है आपका स्विच का कनेक्शन है, जो इसी में हम इसको बल्ब का कनेक्शन करेंगे, एक इसमें बल्ब का, एक बैटरी का। दोस्तों, ये बैटरी है, इसमें हम माइनस पॉइंट जोड़ लेते हैं। बैटरी का ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। दोस्तों, हमारे पास ये बल्ब जो हम इसको बनाकर कंप्लीट कर चुके हैं और इसको इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे वायर। दोस्तों, अब ये जो रिले का जो पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दो पॉइंट है, एक स्विच का ये पॉइंट है, तो इस रिले का जो पॉइंट होगा, हम इस नेगेटिव मतलब पॉइंट में बल्ब के जोड़ देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये पूरा कनेक्ट हो चुका है, इसको हम जोड़ दिए हैं। अब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम इसको बैटरी में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये वाला पॉइंट जो है, ये माइनस है, तो ये माइनस में चला जाएगा। और ये प्लस में हम इसको जोड़ देंगे। दोस्तों, ये स्मार्ट सर्किट तैयार हो चुका है स्मार्ट लंटेन बनाने के लिए। तो चलिए, इस स्मार्ट लंटेन को, स्मार्ट सर्किट बोर्ड को हम चेक करते हैं कि ये स्मार्ट है या नहीं है। तो देखिए, मैं ताली मारूंगा और ये लाइट ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ताली मारूंगा ये लाइट ऑफ हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, ये अब बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए। तो बैटरी चार्जिंग के लिए हमने ये चार्जिंग सॉकेट लिया है और उसके साथ साथ हम इसमें इंडिकेटर लाइट भी लगा देंगे, जो चार्जिंग को इंडिकेट करेगा। दोस्तों, इसमें हम एक डायोड भी लगा रहे हैं, डायोड लग के ये चार्जिंग पूरा है, चार्जिंग इंडिकेटर और ये चार्जिंग पॉइंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम एक ये ढक्कन में, ये मजा का ढक्कन है, इसमें हम कंप्लीट से सेट कर देंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये दो वायर हमने लिया है ताकि ये वायर लंबा हो जाए चार्जिंग पॉइंट का, कर देंगे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हम इसमें किरोसिन तेल डालते हैं, यहाँ पर हमारा ये चार्जिंग पॉइंट रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम ये चार्जिंग पॉइंट को सेट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लू गन दे देंगे ताकि ये यहाँ पर चिपक जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया है ये चार्जिंग पॉइंट। अब हम इसको यहाँ पर ये सर्किट बोर्ड और बैटरी को सेट करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर एक स्विच भी देंगे ताकि हम सर्किट बोर्ड को लाइन ऑफ ऑन ऑफ कर सकें, ताकि सर्किट बोर्ड में कंटिन्यू लाइन ना रहे, बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर बैटरी को चिपकाने के लिए हम यहाँ ग्लू गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बैटरी चिपक गया है और हम यहाँ पर इसको सर्किट बोर्ड को भी लगाएंगे। दोस्तों, इस सर्किट बोर्ड को हम यहीं पर चिपका देते हैं ग्लू गन के द्वारा, हम यहाँ पर चिपका देते हैं।
दोस्तों आपको हमने बताया था कि सर्किट बोर्ड को ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्विच देंगे, तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट का स्विच दिया हुआ है, इसमें हम सिर्फ ये वाला वायर सर्किट का जोड़ देते हैं। दोस्तों लगभग ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इस माइक्रोफोन को हम यहाँ से निकालेंगे। दोस्तों आप ये देख रहे हैं चार्जिंग पॉइंट भी हम इसको जोड़ देते हैं ताकि ये बैटरी चार्ज होते रहें। प्लस पॉइंट को हम यही स्विच के जगह पर जोड़ देते हैं। दोस्तों ये एलईडी पॉइंट है बल्ब का, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे इसको। दोस्तों अब इसको हम अंदर में इसको मोड़ के कर देते हैं इस सर्किट बोर्ड को पूरा। दोस्तों आप देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे ग्लू गन से चिपका देंगे और जो कटा हुआ ग्राइंडर मशीन से ये भी, और इसको उसके साथ साथ ये हम स्विच को भी चिपका देते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये देखिए पूरा ग्लू गन से हम इसको चिपका दिए हैं, यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच है और ये बल्ब निकाल लिया है। इस बल्ब का पॉइंट हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ इसको यहाँ पर निकाल के यहाँ से ग्लू गन के द्वारा चिपका देंगे। दोस्तों आप देखिए इसमें से हम वायर निकाल लेते हैं दोनों वायर को। दोस्तों देखिए वायर निकल चुका है, अब इसको हम इसमें वायर को कनेक्ट कर देते हैं बल्ब। दोस्तों अब यहाँ पे हम बल्ब को चिपका देते हैं अच्छी तरह से, माइक्रोफोन को भी हम यहाँ पर ग्लू गन के द्वारा चिपका देते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं पुराने बल्ब का, ये हमारे पास ढक्कन है तो इस ढक्कन को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं पूरा ग्लू गन से हम इसको चिपका दिए हैं, और ये जो आप शीशा देख रहे हैं लैंटर्न का, ये हमने मिल नहीं रहा था लेकिन कैसे कैसे इसको ढूंढ के लाए हैं, ये 20 रुपये में शीशा दिया है, इसमें सेट कर देते हैं। दोस्तों आप देखिए पूरा लैंटर्न कंप्लीट हो गया है, स्मार्ट लैंटर्न बन के तैयार हो गया है, जिसको मैं एक एक फीचर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट है, ये आपका माइक्रोफोन है जो साउंड को कैच करता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एलईडी बल्ब है। चलिए इसको आप टेस्ट करते हैं। दोस्तों आप देखिए स्मार्ट लैंटर्न को हम टेस्ट करते हैं, देख रहे हैं ताली से ये ऑन हो जाती है और ताली से ऑफ हो जाती है, देख रहे हैं। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जानते हैं कि हम ऐसे ही यूनिक और अनोखा अमेजिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।